मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान की लाश के साथ थाने के सामने धरने पर बैठ गए। उनके साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता के अलावा मृतक सलमान के परिजन एवं रिश्तेदार भी मौजूद रहे। खजुराहो थाने के सामने एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया जिसमें सभी लोग धरना दे रहे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शव नहीं दफनाएंगे। पूर्व सीएम रातभर टेंट में रुके। दरअसल 17 नवंबर को एमपी चुनाव के दिन मतदान के दौरान किसी विवाद के चलते कुछ लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ता सलमान खान को गाड़ी से कुचल दिया था जिसमें उनकी जान चली गई। इस मामले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला करने का आरोप बीजेपी पर लगाया। मेरे कार्यकर्ता को कुचल के मार डाला है, बस तब से लेकर आज तक पुलिस ने गाड़ी तक तो उसको उन्होंने कब्जे में नहीं लिया है। 25 गाड़ियां थी, एक गाड़ी भी नहीं पकड़ी गई। वो लोग आराम से घूम रहे हैं, मारने वाले मतदान कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इसको कब तक क्या बर्दाश्त करेंगे। मैं आज परिवार से मिलने आया हूँ, अब परिवार ने निर्णय लिया है कि हम लोग मिट्टी नहीं देंगे जब तक कि गिरफ्तार ना हो। मैं क्या करूं, मैं परिवार के साथ ठीक साथ। राजनगर में राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विक्रम सिंह नाती राजा के साथ ही कांग्रेस पार्षद सलमान खान की मौत के बाद 20 व्यक्तियों पर FIR दर्ज हो गई है, लेकिन अब इसके बाद दिग्विजय सिंह आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े हैं। उसके साथ छतरपुर पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी, महाराजपुर पूर्व विधायक नीरज दीक्षित सहित हजारों लोग गिरफ्तारी की मांग का समर्थन देने पहुंचे। देर रात खजुराहो थाने के सामने हजारों समर्थकों सहित टेंट में खाट पर ही सो गए। दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं भी मध्य प्रदेश का सीएम रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता के साथ द्वेष पूर्वक कोई कार्यवाही नहीं की। भाजपा ने जिस तरह से यह कृत्य किया है वो बेहद निंदनीय है। परिवार के लोग और मैं तब तक यहां धरने पर बैठे रहेंगे जब तक कि सलमान खान की हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।